हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बहुत दिनों बाद मैं वापस से व्लॉग कर रहा हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। एंड आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम अटेंडिंग एन अवार्ड फंक्शन और मैं आपको भी वहाँ लेके चलूँगा। एंड अभी मैं जा रहा हूँ आउटफिट के लिए। मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइनर आउटफिट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय समवन रियली वेरी स्पेशल। लास्ट टू लास्ट या उसके भी लास्ट बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, बट कुछ फिटिंग इश्यूज हो रहे हैं उसमें अभी, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहन पाऊंगा। आई वॉन्टेड टू वेयर दैट, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं पहनूंगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ बांद्रा सांता क्रूज आउटफिट के लिए। मुझे कुछ फॉर्मल सा देखना है आउटफिट एंड लेट्स सी ब्लैक के अलावा और कोई कलर मिल पाएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। मैं पी रहा हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी आइस अमेरिकानो विथ हेजल एंड सिरप जो मैंने अभी घर पे बनाई है। और भी कुछ है, मैं आपको बाद में आगे ब्लॉग में बताता हूँ। अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। क्लोथ्स लेने के बाद अभी हम लोग आए हैं कार्टर्स रोड। अभी थॉट कि हम लोग कुछ यहाँ पे खाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इस ब्लॉग में, दैट ये जो घर है, ये वाला, दिस इज़ शाहरुख खान्स फर्स्ट हाउस इन मुंबई। ये मैंने कहीं पे तो देखा था इंस्टा की रील में कोई पेज पे, एंड दे वर सेइंग दैट ये वाला घर जो है, पर्टिकुलरली ये वाला, दिस इज़ शाहरुख खान्स फर्स्ट हाउस इन मुंबई। एंड यहाँ पर तो क्या व्यू है, क्या वाइब है, एंड आई कैन फील दैट यू नो, वो घर से क्या व्यू आता होगा, कितना मज़ा आता होगा यू नो, जब आप उठ रहे हो अपने बेड से ना आपको सामने इतना ब्यूटीफुल सा व्यू मिल रहा है। सो यस, आई जस्ट थॉट आपके साथ ये छोटी सी बात शेयर करता हूँ। विल गो होम एंड कल आपको मिलते हैं। कल अवार्ड फंक्शन अटेंड करने से पहले भी कुछ प्लान है तो वो मैं आपको कल ही बताऊँगा। सो सी यू टुमारो। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड भाई साहब क्या हेक्टिक कभी हो गया है सारा माहौल, बिकॉज मेरा कल तो डिसाइडेड था ही कि मुझे कुछ यू नो आउटफिट में पिक्चर्स क्लिक करने, रील शूट करने हैं, बट कोई भी अवेलेबल नहीं है, एज एन वीडियोग्राफर फोटोग्राफर कोई भी अवेलेबल नहीं था। एंड कल रात को और आज सुबह तो ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि 110-120% प्लान जो है कैंसिल हो गया था। बट देन सडनली समवन सेड कि चलो मैं फ्री हूँ, हम लोग कर सकते हैं शूट। मैं 11 बजे उठा, हम लोग कल रात को बहुत ही लेट सोए मैं और सोनू, बिकॉज हम लोग बिग बॉस देख रहे थे और सोते सोते हमें सोनू को 2 बजे सो गई थी, मुझे 3-4 ऐसे ही बज गए थे बिकॉज मैं इंस्टा स्क्रोल कर रहा था एंड कुछ रील और पिक्चर्स के लिए आइडियाज़ वगैरह देख रहा था, तो मुझे तो बहुत लेट हो गया था सोते सोते। एंड उठा मैं 11 बजे और जो मैं 150 किलोमीटर की स्पीड से जो रेडी हुआ हूँ, नहा धो के शेव वेव करके जल्दी से भाग के यहाँ पे स्टूडियो पहुँच चुके हैं। एंड आई हैव माई ब्रदर विथ मी अल्फाज, जिन्हें आप ऑलरेडी मिले होंगे। कब मिले होंगे? हेलोवीन। यस, हेलोवीन जब हमने लुक क्रिएट किया था तब अल्फाज ने मेरा मेकअप किया था। यहाँ पे अभी सब सारा सेटअप हो रहा है मेकअप का। भाई इतना सब लगने वाला है क्या? लगेगा। ओके, तो चलो अभी ये सब लगा लेते हैं पहले, फिर शूट वूट करते हैं और आपके साथ BTS भी शेयर करेंगे। सो अभी शेड्यूल से थोड़ा लेट तो चल रहे हैं हम लोग, बट बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड यस, मैं आपको कल बोल रहा था कि मैंने एक आउटफिट सिलेक्ट किया है जो मुझे बहुत ही पसंद आया, वो है ये। इसके ऊपर एक ब्लेजर भी आएगा ब्लैक कलर का। सो आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल क्लासी लुक फॉर दिस अवार्ड फंक्शन। एंड अभी बालों में कुछ तो भी कलाकारी कर रहे हैं कलाकार। क्या कर रहे हो बालों में? अच्छा, फाइनल होने के बाद पता चलेगा, बट अभी मुझे तो ऐसा देखने में लग रहा है कि कुछ नूडल्स बन रहे हैं मेरे बालों में जो 2 मिनट में नहीं 20 मिनट में बनेंगे। सो सी यू आफ्टर 20 मिनट्स। बाल खींच रहे मेरे, पैसे काटूंगा मैं। सो राज का यहाँ पर नया हेयर स्टाइल बन रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं। सो छोटी और एक्चुअली बन तो रही है, बट एक्चुअली मेरे बाल जो है बहुत ही खींच रहे, तो मैं वो मना कर रहा हूँ करने के लिए। पर अगर थोड़ा लूज कर रहे हैं रबर बैंड तो काफी छोटी सी चोटी बन रही है। सो वी आर ट्राइंग
ब्लैक रबर बैंड मिल गया अभी देखो बाल खींच रहे तो हम लोग घर पे आ चुके हैं राइट नाउ इट्स 7:30 एंड वी रीच्ड होम अराउंड 5:30 और आते ही हमने कुछ खाया बिकॉज बहुत ही भूख लगी थी ऑलमोस्ट 4-5 घंटे से हमने कुछ खाया नहीं था एंड यस बहुत ही अच्छा रहा शूट एंड बस बहुत ही जल्द आपको अमेजिंग से पिक्चर्स देखने मिलेंगे रील देखने मिलेंगी सो स्टे ट्यून एंड बस अभी हम लोग रेडी होकर निकल रहे 10-15 मिनट्स में आई एम सो एक्साइटेड और मैंने बाल जो है थोड़े से अभी चेंज कर दिए बिकॉज हेयर वैक्स और स्प्रे वगैरह लगाया था तो थोड़ा सेटिंग खराब हो गया था बालों का सो बस थोड़ा बालों को वापस से मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा टचअप करके फिर हम लोग निकलेंगे अब सीधा मिलते हैं आपको डायरेक्टली रेड कार्पेट पे स्टे ट्यून पहले इस सीरियल को हम सबने दूरदर्शन पर देखा था तब ये थे अब मैं उनका बेटा इस कथा का भाई यहाँ पे एकदम कोने में भाई यहाँ पे भाई यहाँ से शुरू करो भाई यहाँ से शुरू करें अभी मैं नेक्स्ट डे व्लॉग कर रहा हूँ एंड कल तो आईटा अवार्ड्स में बहुत 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 ही मज़ा आया बहुत सारे पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस देखने मिले रेड कार्पेट पे भी काफ़ी ज़्यादा फन किया आपने मेरी स्टोरीज पे तो देखा ही होगा सो आज अभी मैं आया हूँ इनऑर्बिट मॉल बिकॉज कल भी मैं एक और इवेंट अटेंड करने वाला हूँ उसके लिए मुझे कल कुछ क्लोथ चाहिए थे तो सोचा आज ही आके ले लेता हूँ मैं बिकॉज कल भी मुझे एक और काम है बाहर जाना है सो टाइम नहीं मिलेगा एंड यस मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बोल रहा था कि यू नो मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा सा कुछ डिफरेंट कुछ न्यू बट उसके लिए कुछ तो डेट्स के इश्यूज हो रहे हैं बट आपके साथ बहुत ही जल्द सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा एंड या दैट्स इट आई गेस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ मैं अपने इंस्टा पे ज़रूर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा तो वहाँ पे देख लेना सारी चीज़ें तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई एम सो हैप्पी यू नो जब दिसंबर आता है ना मतलब मॉल में हर जगह पे मतलब अच्छी अच्छी लाइट्स लग जाती हैं एंड आई नो दिवाली में भी तो लाइट्स लगती है बट दिवाली की लाइट्स की वाइब्स अलग होती है और न्यू ईयर क्रिसमस की लाइट्स की वाइब अलग होती है एंड यू नो इट्स माय बर्थडे मंथ आई एम सो एक्साइटेड फॉर माय बर्थडे तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लव यू बाय बाय